9 नवंबर 1877 की तारीख उर्दू अदब के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस दिन एक बहुत बड़े शायर, फलसफी और आलमजंग हमारे कौमी शायर इल्लामा इकबाल पैदा हुए। इन्होंने अपने ख्वाब जिन्होंने अपने शायर के ज़रिए एक कौम में नई रूह फूंकी, जिन्हें मशहूरे पाकिस्तान के लकब से याद किया जाता है। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे कौमी शायर इल्लामा इकबाल से, जिनका पैगाम आप तक पहुंचाने की हमारी जिसारत होगी। तो जी जनाब मोहतरम इल्लामा इकबाल, इतने साल गुजरने के बाद भी कौम आपको याद रखती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। बिल्कुल सही बात, आप अपना पैगाम लोगों को किस तरह पहुंचाना चाहिए? हुस्ने किरदार से नूरे जिस्म हो जा, उसने किरदार से नूरे जिस्म हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इकबाल, आप काफिर और मोमिन में किस तरह फर्क कर सकते हैं? काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की पहचान ये है उसमें आफाक है। मोहतरम, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इल्लामा इकबाल, हम गुनाहों से कैसे दूर रह सकते हैं? मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, अगर हो जाए जमीन पर के अल्लाह देख रहा है। अरे मशरिक, माजी के मुसलमानों के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। बिल्कुल सही बात, और आज का नौजवान किस डगर पर चल रहा है? तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है नौजवानों की तने आसानी। बिल्कुल सही, तो आप किस तरह के नौजवानों से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमन। और आज के नौजवान देखकर आप कैसे साथ कहते हैं? बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। बिल्कुल बिल्कुल, इल्लामा इकबाल, आपके नौजवानों को भी आपने शहीन कहा था, और इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी, क्या मायूस है आज की नस्ल? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साफी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्र ये मौसमे पाकिस्तान कर रही, उम्मीद है आपका पैगाम लोगों ने अपनी गिरा से बांध लिया होगा और इस पर अमल भी जरूर करेंगे। शुक्रिया।